उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बिहार से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस के दूध के टैंकर से टकरा जाने से 18 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हैं। इस दर्दनाक हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताते हुए अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, जनपद उन्नाव में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। वहीं उन्नाव डीएम गोरांग राठी ने इस हादसे पर क्या कहा, सुनिए। करीब 57 लोग यात्री एक प्राइवेट बस में सफर कर रहे थे जो शिवहर से दिल्ली के लिए बस जा रही थी, उसमें 18 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह जो 5:15 बजे एक्सीडेंट हुआ एक दुग्ध कंटेनर से, और 19 लोग इंजर्ड हैं और करीब 20 लोग इसमें सेफ थे जिनको हम लोग दिल्ली के लिए रवाना कर रहे हैं। 6 लोगों को हम लोगों ने अभी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया है, बाकी लोगों का इलाज जिला अस्पताल से। सर अभी तक क्या व्यवस्था की गई है, जो लोग इंजर्ड हैं उनके परिवार को सूचना देने के लिए, कितने लोगों की शिनाख्त हुई? हमारी करीब 3 जगह के डीएम साहिबान से बात हो गई है, शिवहर, सीतामढ़ी और दिल्ली में। कंट्रोल रूम के 6 नंबर हम लोगों ने शेयर कर दिए हैं और लगातार उनसे संपर्क करके जो परिजन हैं जिनको सूचना मिल रही है और जिसे हम जिला प्रशासन को भी दे रहे हैं वो फोन कर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सर इलाज के लिए किस तरीके की व्यवस्था अपने जिला अस्पताल में की गई है? हमारे 8 हॉस्पिटल, 8 डॉक्टर्स जिला अस्पताल में जो हमारे उन्नाव के हैं वे, और लगभग 6 डॉक्टर्स हम लोगों ने बाहर से डिप्यूट किए हैं। इसके अलावा बलरामपुर से भी यहाँ पर डॉक्टर्स आ रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए जो बॉडीज जैसे जैसे आएंगी वो भी, उसकी भी हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है और हम जल्द से जल्द सारी कार्रवाई करके, अग्रिम कार्रवाई करके